कितना आंसर आएगा? अच्छा और देखो ये वाला, जब 8 27 का निकाला था मेरा इमेज तो किसमें से माइनस किया था, कितना आया था ये? ये आया था, देखा जाए ये और ये ऐड किया तो कितना बना, ये और ये ऐड करा कितना बना, 12 ही है भी। और देखते हैं इसका तो कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि इसको भी हम पहले इसी फॉर्मेट में ले आए, इसको कन्वर्ट करके इसी फॉर्मेट में हम ले आए, तो ये भी वही केस है। इसको को देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन लिखते हैं, केस 5 वाला। 7 49 ठीक है, इसकी मिरर इमेज बनानी है। अब आप सोच के देखो, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसकी तो, जैसे इसकी कर रहे थे ना वो, आज बड़े खुश हो रहे थे कि आप, मैं मिरर इमेज ही करूंगा इसको, ये इन्हीं में काम आएंगे मिरर इमेज बनाने। आपको आना तो पड़ेगा भाई, करो किस पे, कॉन्सेप्ट पे, किस कैसे बनाओगे इनकी मिरर इमेज, कितना फ्रैक्शन में जाएगा ये, इसलिए ये छोड़ना ही पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में। अब देखो इसमें क्या करना है आपने, यहां पर हमें ये देखो, मैं कह रहा हूं ये जो आंसर आएगा वो ये आंसर आएगा, ये ऐड करके कितना बनना चाहिए 12, ये भी 12 बनना चाहिए, ये ऐड करा 12 तो ये भी ऐसे होना चाहिए। तो अब क्या करो, यहां लिख लो 11 है ना, यहां लिख लो आप 59 और यहां लिख लो 1 11, ये 59 मिनट ये और 1 मिनट ये, कितने मिनट हो गए टोटल, 11 और 60, 60 सेकंड ले लो इसको एक तरह से, तो 60 सेकंड कितने होते हैं, तो तीसरी एक आवर की होती है, एक मिनट की होती है, एक सेकंड की होती है, अगर ये 60 सेकंड होते तो 1 मिनट हो गया, तो अब क्या करेंगे इसमें, तो ये माइनस कर देंगे, ये कितना हो गया 11 में 7 गया, 59 में से 49 गया, कितना हो गया, और ये 4 4 by 4 by 11 था ना, तो 1 minus 4 by 11 ये रह गया, तो इसको डायरेक्ट करके देखो आता करना, 11 * 11 11 में से 4 गया 7 7 by 11 कितना आएगा, आता है करना इसको, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें से माइनस, मैं सिखाऊंगा आपको मैथ में, तो ये बनेगा 7/11 कितना आएगा। आपको मैं बताऊं, 4/11 और 7/11 को आप ऐड करोगे ना, करके देख लो इन दोनों को, 4 by 11 7 by 11 पता कितना आएगा, ये 1 आएगा, ये 4 ये 7 ये, तो कितना 11/11 1 1। अभी देखो एक तो ये हो गया मिनट, ये दोनों ऐड करा 1 आ गया, ये दोनों ऐड करें कितना आया 59, 60 हो गए, हमें 60 ही बनाना है और 11 ये है ही। तो ये इंपॉर्टेंट लॉजिक है, जो यहां पर वैल्यू होगी उसको 1 में से माइनस कर लोगे क्या, यहां पर जो वैल्यू होगी उसको किसमें से माइनस करना है, क्योंकि ये वैल्यू ना 1 से छोटी है, जब भी नीचे की वैल्यू बड़ी हो ऊपर की वैल्यू से वो लेस देन 1 होती है, क्या होती है, हमेशा याद रखना, नीचे की वैल्यू अगर ऊपर की वैल्यू से बड़ी है तो लेस देन 1, इसलिए इसको 1 में से माइनस कर देंगे और 11 * 11 यहां माइनस कर देंगे। जो फ्रैक्शन है आते हैं आपको करने, नहीं आते तो आप मुझसे बताएंगे क्लास के बाद में, मुझे यहां पर दिक्कत आई है माइनस करने में, मैंने कहा अभी आपको माइनस करने ही नहीं आ रही है बस, और कुछ भी नहीं, और नया सीखना भी नहीं है आपको, तो आपको ये क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस करनी है अभी, कि 1 में से 4 by 11 अगर में से हो गया तो आपका ये आंसर हो, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये आपका आपको समझ में आया, मैं रिपीट कर देता हूँ, आप जिनको समझ में आ गया वो ये और ये भी करके देखो, ठीक है, मैं फिर से बताऊँ, हाँ जी मैं फिर से बता देता हूँ, जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से देखें, 1 - 4 by 11 को करने का एक और तरीका है, इसको एलसीएम ले लो, तो 11 * 11 डायरेक्ट यहाँ 11 लिखो, ये दोनों कट जाएंगे, एक आएगा कोशेंट, उससे यहाँ 4 लिख दो, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 में से 4 गया 7, तो 7/11। और भी ट्रिक बताऊंगा, ऑप्शन से भी कर सकते हो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट माइनस करना सीख लो ठीक है। अच्छा करा तो हमने 11 60 ही है, क्या कहते हो, करा तो 11 60 ही है, 12 ही बना, तीनों केस देखने में अलग लग रहे हैं लेकिन अलग है नहीं, क्या कहते हो, समझ में आया, तो करके देखो इस क्वेश्चन को फिर 16 को करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 16 करके दिखाओ, नहीं आया माइनस करना नहीं आ रहा भाई, सिमरन प्रीत अमन प्रीत
चलिए 16 का क्वेश्चन आंसर बताइए। 16 का क्या आंसर? थ्री थ्री 49 वन बाई, देखो 1/11 और 10/11 को ऐड करोगे ना, वन आएगा। क्या आएगा इसको मैं अलग से बताऊंगा आपको, ये लॉजिक क्या है, जब जल्दी कैसे करते हैं उसके बीच में। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये जो चीज है ना, ये चीज जिसको समझ में आ गई ना, समझो मैथ का रेशियो परसेंटेज बड़े आराम से क्लियर हो गया आपको। प्रॉफिट लॉस इन्हीं चीजों पे बेस्ड है, रेशियोज पे, परसेंटेज इन्हीं चीज पे बेस्ड है। ये बहुत डिटेल में हम करने वाले हैं ये चीजें, ठीक है? अभी बस इतना सा सीख लो कि आपको मैंने माइनस करना सिखाया, ऐसे कर लोगे। 1 माइनस क्या था, 10/11, तो क्या बनेगा, 11, 11 मल्टीप्लाई माइनस 10 कितना होता है, 1, 1 बाई वही लिखा जाएगा वहां पे। अरे समझ में आया? तो हर जगह ना, अगर हर चीज की रिसर्च एक ही जगह करोगे ना, तो फिर और टॉपिक का तो मतलब भी नहीं है। फिर आप टॉपिक से, दो चीजें होती हैं, आपको कहीं ना कहीं स्पीड पे भी काम करना पड़ेगा, आप उलझे नहीं रह सकते, ऑलरेडी टॉपिक बहुत ज्यादा है इसका। बताओ, अच्छा एक बात बताओ, इसको अगर इसको ऐड करूं दोनों वैल्यू को तो कितना आएगा, 1160, तो वो होना भी चाहिए, 12 बजने चाहिए ना, 12 टोटल 12, टोटल 12 होना चाहिए। हाँ जी, ये कितना आया, 9। दो बज के, ठीक है 6/7 आ रहा है, और 6/7 और 1/7 ऐड करोगे तो 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्योंकि तो ये 1 बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि 15 और 59, 59 ये हो गया, 9 और 2 11 और 1 12, 12 बन गया पूरा। यस और नो? 1160 आ गया। 16th का क्या आंसर है? 16th का आंसर है 349 1/11। वेरी गुड सिमरनप्रीत भाई, बहुत बढ़िया, यही करना है आपको, ठीक है? इसी तरीके से चलना है। ये क्लोक के, मैं फिर से रिपीट कर दूं, क्लोक के क्वेश्चन में आपको जो मिरर इमेज बनानी है वो ऐसी बनानी है कि दोनों वैल्यू ऐड करके 12 हो जाए। तो 8 में क्या ऐड करें, 4, 9 का क्या जाएगा, सॉरी 8 का, क्लोक के क्वेश्चन में मिरर इमेज बनानी है, तो जो अगर 8 का पूछा तो वो टिक करना है ऑप्शन जो ऐड करके कितना बना दे, कितना बना दे, 12 बना दे। तो 8 में क्या ऐड करो, 12 बन जाएगा, 4, 5 में क्या, 7, 9 में क्या, 3, डायरेक्ट हो जाएगा। प्लॉट भी आप कर सकते हो, प्लॉट करने में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए अब आप कॉन्सेप्ट ही बना के रखो कि 12 में से ही माइनस करना है। एक चीज और, आप 12 नहीं करेंगे, 1160 का कॉन्सेप्ट भी याद रखें, क्या करें, क्योंकि जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको जरूरत पड़ सकती है 1160 के कॉन्सेप्ट की। तो आपको 1160 में से ये वैल्यू माइनस कर दोगे तो ये आंसर आने शुरू हो जाएंगे, 831 का 329, 842 का 318, इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन है, 513 का 647, 545 का 615। तो इन क्वेश्चंस का अगर मैं यहाँ से हटा दूं, तो आप, मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, इनका आप जो अभी लाइव हैं जिन्होंने अगर नोट नहीं किया तो आप इनको खुद से करें, ठीक है? और कमेंट में अभी मुझे बताएं, मैं 5 मिनट दूंगा आपको। चलिए उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस में भी क्या करना है, केस 4 वाले क्वेश्चन में आपने फॉर्मेट बदलना है 12 आर वाला, क्या बदलना है, उसके बाद फिर से वही कॉन्सेप्ट, जो भी 12 आर का फॉर्मेट आप बनाओगे उसको फिर से किस में से माइनस करना है, 1160 में से, वही हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 1160। लास्ट वाला जो केस 5 क्वेश्चन है, इसमें आप ब्रेक कर लेना, इसको 7 के ऊपर लिख लेना 11, 49 के ऊपर लिख लेना 59, और इसके लिए लिख दो एक अलग से 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड। इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, टोटल वैल्यू कितनी बन गई, 1160। अब जब माइनस करोगे तो आंसर आएगा 410 7/11, ये वैल्यू ऐड करके फिर से 1160 बनेगा, 1160 बनेगा। यही है सारे केस, पॉसिबल केस फॉर मिरर इमेज क्वेश्चन फॉर द क्लोक, फॉर द, आया समझ में? तो समरी बता दी भाई। हाँ फिर तो होल वैल्यू 60 में से दिक्कत ये आ रही ना, इसका कैसे करते फिर, इसलिए एक निकालना पड़ा यहाँ से वैल्यू, 1 मिनट निकाल लिया वहां से। और तभी ऐसा भी नहीं कि अगर आप यहाँ 60 लिख दोगे और यहाँ 1 मिनट रख, तब भी दिक्कत आएगी, क्योंकि फिर 11 11 में आपने 61 मिनट ऐड की, जो ज्यादा हो गया फिर, तो आपको ये कम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 59 मिनट करने पड़ेंगे, 59 मिनट का 1 मिनट ये है, तो 60 मिनट ये हो गए और 1160 बन गया। बस लॉजिक वही अगर बना के रखोगे तो चेंज नहीं आएगा क्वेश्चन में, चेंज हो गया एक्सप्रेशन, चेंज हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। आया समझ में?
स्टूडेंट एक मैं बात बताता हूँ आपको, ये देखिए कॉन्सेप्ट समझिए आप। यहाँ जो टोटल होता है, जो भी आपको दे रखा है उसको टोटल में से जो भी मैंने 9 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो टोटल यहाँ कितना होना चाहिए, ये दो केस है, ये सुनो, या फिर एक केस ये भी है, इसको ना ही याद रखो, जरूरत नहीं है, 1160 होता है वो, क्या कर? तो मिरर इमेज में अगर 9 का आपको यहाँ मिरर इमेज देखना है तो 3 बनेगा, क्योंकि 9 और 3 कितना होता है, 12 या 1160 है सर। वाटर इमेज में, वाटर इमेज में मैं आपको बता दूं, आपको जो टोटल लेना है, टोटल लेना है, ये करके दिखाऊंगा आपको, ये लेना, क्या लेना है अभी करके दिखाऊंगा आपको, टोटल कितना लेना है। अच्छा आप कह रहे होंगे 1790 कहाँ गए, इसमें से आपने 1 घंटा निकाल दो, 1 घंटा निकलने का मतलब 60 मिनट होते हैं, कितने होते हैं, 17 हो गया, और 30 में सब 60 मिनट ऐड करो कितना हो जाएगा, 1790, कितना हो गया इसका, जैसे 12 का अपोजिट 1160 आ रहा है, मीनिंग सेम है इसका भी मीनिंग, जहां 18 30 में से माइनस नहीं हो रहा, तो वहां पे क्या करोगे आप, 1790 लोग क्या लोगे, ये वाटर के लिए है भाई, ठीक है, ये वाटर के लिए, किसके लिए, आप मिरर इमेज की अच्छे से प्रैक्टिस करो, वाटर के भी सीखो, बस वाटर में आपको मैं करके करके